नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे मकोई की बात करेंगे। मकोई एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसे कामूनी भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मकोई जानी जाती है, जैसे कि काकमाची। इसका फल सफेद रंग का होता है और पकने के बाद ये काला हो जाता है। मकोई फल बाग बगीचों, नदी नालों के किनारे आदि जगह पर अपने आप उगता है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे आखिर ये फल हमें क्या फायदा दे सकता है। मकोई का फल एक चमत्कारी औषधि है। इसे एक दैवीय फल माना जाता है जो खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को खत्म कर देता है। मकोई भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा ये फल गठिया, बवासीर, सूजन, दिल के रोग, इसके अलावा आँखों की बीमारी, खांसी, उल्टी और कफ आदि के रोगों को ठीक करता है। जितने भी भारत में स्वदेशी चिकित्सा है उनमें सूजन की समस्या को दूर करने के लिए मकोई का प्रयोग होता है। दिल की बीमारी, चर्म रोग और दस्त में मकोई का प्रयोग होता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं मकोई के फायदे क्या क्या हैं और इनके इस्तेमाल का तरीका क्या क्या है। शुगर में यह बहुत ही फायदेमंद होती है। शुगर की बीमारी हो या फिर कमजोरी हो तो मकोई का सूखे बीजों का पाउडर एक एक चम्मच सवेरे शाम ले। किडनी की बीमारी हो तो 10-15 दिन लगातार इसकी सब्जी खाइए। इसके 10 ग्राम सूखे पाचांग का 200 ग्राम पानी में गाढ़ा बनाकर पिए तो आपको शुगर और किडनी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपको हृदय की गति को ठीक करना है तो आप इसका 10 ग्राम पंचांग का काढ़ा पिए। हृदय की किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए 5 ग्राम मकोई का पंचांग और 5 ग्राम अर्जुन की छाल दोनों को मिलाकर 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब एक चौथाई रह जाए तो पी ले। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके हृदय की जो गति है वो एकदम ठीक हो गई। लीवर के लिए ये कैसे काम करेगा जरा देख लेते हैं। अगर आपका पेट खराब है, आंतों में इन्फेक्शन है और आपके पेट में अगर पानी भर गया है तो इन सभी का इलाज है मकोई की सब्जी। रोज इसकी सब्जी खाएं या फिर इसके 10 ग्राम पंचांग का काढ़ा पिए। आप देखेंगे कि आपका लीवर तो ठीक हुआ ही है, साथ में आपका पेट एकदम फिट हो गया है। अगर खुजली, खाज, चर्म रोग, कुछ भी त्वचा संबंधित रोग है तो मकोई की पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट बना लें और संबंधित जगह पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी खाज, चर्म रोग, खुजली सब खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही आप मकोई के डंठलों की सब्जी भी खा सकते हैं। अगर आपको पीलिया है तो मकोई का क्वाथ रोज पीने से यह रोग ठीक हो जाता है। मकोई का क्वाथ आप चाहे तो घर में बना सकते हैं, ये बाहर से भी रेडीमेड मिल जाता है। अगर मुंह में छाले हैं तो आप परेशान ना हो, मकोई के 4 पत्ते लें और उन्हें मुंह में चबा लीजिए, बस फिर आपके छाले ठीक हो जाएंगे। अगर चर्म रोग है तो मकोई के रस को निकालें और उससे अपनी त्वचा पर मालिश करें, आपका चर्म रोग एकदम ठीक हो जाएगा। खूनी बवासीर में मकोई के पत्तों का एकदम ताजा रस कम से कम 10 ग्राम की मात्रा में पिए। आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन में आपकी खूनी बवासीर खत्म हो गई है। रोज मकोई के पत्तों से बना रस 10 दिन पीने से गुर्दे और मूत्राशय की सूजन ठीक हो जाती है। अगर आपको उल्टी आती है और आपको उल्टी की समस्या ज्यादा है तो आप सुहागा को मकोई के रस में मिलाकर सेवन करें, आपकी उल्टी तत्काल ही बंद हो जाएगी। बुखार हो रहा है तो मकोई का काढ़ा बनाकर पिए, आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को चेचक है और चेचक होने के बाद उसके दाने निकल जाते हैं और आपको उपचार नहीं मिल रहा और आपके चेहरे पर दाग हो गए हैं तो मकोई का जो रस है उसको पीजिए। उसको पीने से आपकी चेचक निकल जाती है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब अगर त्वचा पर लाल चकत्ते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते होने पर आप मकोई के पत्तों का रस लगाइए, आपके चकत्ते ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों को गुड़ के साथ मकोई का रस मिलाकर रात को सोने से पहले सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपकी नींद ना आने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।